नवीन जोशी और वकीलों का जो आज ये धरना प्रदर्शन 9 दिन से चल रहा है, उसी संबंध में हमारे बीच इसी कड़ी में यहाँ अजय सिगड़िया जी जो यहाँ के महेंद्रगढ़ के राजनीतिक चेहरे हैं, इन्होंने काफ़ी बड़े आंदोलन किए हैं और सभी आंदोलन में इनका समर्थन रहा है और बढ़ चढ़कर इन्होंने आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया है। अजय सिगड़िया जी फिलहाल बीजेपी से जुड़े हुए पार्टी से जुड़े हुए हैं और वे अपना व्यू रखेंगे धरने के संबंध में, क्या कहना है इनका और क्या ये अपनी धरने की जो मांगे हैं अपनी पार्टी को समक्ष रख पाएंगे, पार्टी इनकी बातों को कितना तवज्जो देगी और किस तरह से ये करेंगे और इन्हीं संबंध में हम भाई अजय सिगड़िया से पूछेंगे। सर, धरने के संबंध में वकीलों की जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं? बिल्कुल जायज़ मांगे हैं और मैं कहता हूँ ये मांगे हम तो पिछले 1-1.5 साल से इस बात को चला रहे थे। हमने पहले 45 दिन एक धरना दिया, 22 दिन एक धरना दिया कि जिला मुख्यालय हो और हमारा ADJ कोर्ट या महेंद्रगढ़ में होना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल जायज़ है। और मैं तो ये कहता हूँ मुझे गर्व और खुशी है कि इस बार हमारे कम से कम 12 एसोसिएशन बड़ी जागरूक होकर के और नई पहल की शुरुआत की है और मुझे भरोसा भी है इनकी ये मेहनत रंग लेकर के आएगी। आपको जैसे कि आपको संज्ञान में आया, अभी आपने देखा जी बुजुर्ग वकील जो है यहाँ के बुजुर्ग अधिवक्ता है कार्मिक अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी, तो अजय सिगड़िया का इस आंदोलन में इस हड़ताल में महेंद्रगढ़ की जो मांगे हैं महेंद्रगढ़ के जीर्णोद्धार में कितना समर्थन ये अजय सिगड़िया भाई यहाँ इनको वकील साथियों को देंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो देखो बार एसोसिएशन ने धरना चलाया हुआ है और मैंने अपनी तरफ से बार एसोसिएशन को भरोसा दिलाया है कि जो भी आप मेरे जिम्मेदारी लगाएंगे, चाहे भूख हड़ताल पर बैठने की बात हो, कोई और संघर्ष की बात हो, चाहे पैसे की बात, जो भी मुझे बार एसोसिएशन कहेगी मैं पूर्ण रूप से बार महेंद्रगढ़ के साथ हूँ। तो अजय भाई साहब ऐसा है कि 9 दिन हो गए हड़ताल को चलते हुए, इतनी देरी से आने का क्या कारण है? क्या पार्टी को व्यू को रख के आप यहाँ नहीं आए या इस धरने से अवेयर थे या कहीं आउट ऑफ स्टेशन थे आप? ऐसा है जी, मैं 30 तारीख को धार्मिक यात्रा पर गया हुआ था, 11 सदस्य एक साथी टीम गई जिसमें पूज्य स्वामी जी विट्ठलगिरी महाराज जी के नेतृत्व में हम गुजरात में धार्मिक स्थानों पे गए हुए थे और वहाँ से हम 6 तारीख को आए और 6 को आने के बाद मुझे 2 दिन कोई अर्जेंट काम के लिए मैं दिल्ली चला गया था और जो ही मुझे समय मिला मैं पिछले तीन दिन से संपर्क में हूँ और आज जो ही मुझे समय मिला मैं यहाँ पहुँच गया और महेंद्रगढ़ के हक की बात जहाँ आएगी वहाँ राजनीतिक तौर पर मेरी किसी भी पार्टी से एफिलिएशन हो उस बात से नहीं, मैं महेंद्रगढ़ के हकों के लिए महेंद्रगढ़ की जनता और बार एसोसिएशन के साथ हूँ और इसमें मुझे कोई पार्टी की बाधा नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कल माननीय मुख्यमंत्री जी चरखी दादरी में आएंगे और माननीय वन एवं PWD मिनिस्टर माननीय राव नरवीर सिंह जी नारनौल में आएंगे और तो मैं यहाँ बार एसोसिएशन में अभी हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने मुझे कहा कि ये प्रस्ताव दे रहे हैं और कल मैं ये प्रस्ताव सरकार के सामने रख दूंगा और मैं गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से राव नरवीर सिंह जी से कि जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। बार एसोसिएशन भाई अजय सिगड़िया से ये आशा कर सकती है, ये आज भाई ये धरने स्थल पर रेगुलर आते रहेंगे और यहाँ वकील साथियों के साथ भी कार्मिक अनशन या भूख हड़ताल पर बैठेंगे? जैसा मैंने पहले ही शब्द में कहा, जो मुझे बार एसोसिएशन कमेटी कहेगी कि आपको धरने पर बैठना है, आपको अनशन पर बैठना, जो मुझे आदेश देगी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये जो मांगे हैं आप बीजेपी से, आपकी पार्टी है बीजेपी से संबंध रखते हो, ये जो मांगे हैं ये काफ़ी पुरानी मांगे हैं और ये जो मांगे हैं इन्हीं मांगे को आगे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आगे पॉलिटिकल जो चेहरे हैं वो अपने मैनिफेस्टो में देने वाले हैं, तो उनका जो यहाँ तक वो अपने स्वार्थ साधने का मतलब है, क्या उससे पहले आपकी सरकार इसको सोल्व कर पाएगी? देखो जी, मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं कोई अथॉरिटी नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और राव नरवीर सिंह जी तक मेरी पहुंच है, मैं वहां तक प्रयास कर सकता हूं, पॉजिटिवली मैं पूरे एफर्ट्स करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि हमारा ये मांगे मानी जाए।
तो प्रधान जी आपको एक ज्ञापन दे रहे हैं, आपके मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है, बिल्कुल इसको आशा करती है बार एसोसिएशन आपको इसको सही वे में आप इसको आगे अगर बिल्कुल मैं ये ज्ञापन आज जो मुझे बार एसोसिएशन ने दिया है मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी को और नरवीर सिंह जी को बार का ज्ञापन पहुंचा दूंगा और उनको पूरी स्थिति से अवगत भी करवाऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि किसी न किसी लेवल पर इस चीज का समाधान हो। आपका बहुत बहुत आभार अजय सिगड़िया भाई धरने स्थल पर आपका समर्थन देने के लिए और बार एसोसिएशन ये आपसे आशा करेगी आपका जो ये आपको ये जो कार्य सौंपा गया है ये 100% जरूर सोल होगा। बिल्कुल मैं अपना पूरा ईमानदारी से प्रयास करूंगा। थैंक यू भाई जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अजय सिगड़िया भाई की बातें को जोर शोर से महेंद्रगढ़ की जनता से भी अनुरोध है कि जोर शोर से उठाए क्योंकि ये वकीलों का मुद्दा नहीं है, आम जनता का मुद्दा है, आम जनता की मांगे हैं। अजय सिगड़िया भाई की आवाज़ को और बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करें। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्ते।